हे गाइस, कैसे आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू मिस्टीरियस गंजम पार्ट टू व्लॉग। आई नो गाइस, बहुत ज़्यादा ही लेट हो गया है, लेकिन गाइस मैं काफ़ी ज़्यादा ना बैक टू बैक घूमने चला गया था, जिसके लिए मेरे चैनल पे इसके बाद भी बहुत सारे ब्लॉग आने वाले हैं, क्योंकि आपको तो पता ही है द शो मस्ट गो ऑन। तो उसी के लिए कुछ नहीं करना है, चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर देना है, क्योंकि इसके बाद भी और बहुत सारे ट्रैवल ब्लॉग्स आने वाले हैं। तो खैर, आज का ब्लॉग में आप लोग देखने वाले हो, सबसे पहले जगह पे हम गए थे वो थी 700 फीट के पहाड़ के ऊपर बसा एक मंदिर, जो कि है तारा तारिणी मंदिर, तारा तारिणी टेम्पल, जो कि बहुत ही फेमस जगह है गंजाम में, और ये बरमपुर डिस्ट्रिक्ट से 40 किलोमीटर की दूरी पर है। इस मंदिर में पहुंचने के लिए आपको पूरा पहाड़ के ऊपर चढ़ना पड़ेगा या फिर 1000 सीढ़ी चढ़ के ऊपर जाना पड़ेगा। इसके बाद और ऊपर से जो नज़ारे आपको देखने मिलेंगे वो बहुत ही सुंदर होंगे। उसके बाद आज ब्लू है पानी पानी यानी कि बीच। उसके बाद हम जाने वाले हैं गोपालपुर बीच, और आपको इस वीडियो में थोड़ा बीच वाइब देने की भी कोशिश मैंने की है। उसके बाद जो लोकेशन हम गए थे गाइस, वो थी एक बहुत ही प्राकृतिक सुंदर दृश्य, मतलब कि वो जो प्राकृतिक दृश्य मैंने देखे अंत में, वो आपको भी मंत्रमुग्ध कर देगा। लेकिन उसके लिए आपको लास्ट तक वेट करना है वीडियो, तो आप वीडियो को देखो, आपको काफी ज्यादा मजा आने वाला है। सो लेट ना करके लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हे गाइस, दिस इज अ डे टू इन गंजाम उड़ीसा। तो कल हम लोग स्तूपा देखने के बाद फाइनली घर चले गए थे, और फिर रात पहुंचते पहुंचते रात हो गई थी, तो हम सो गए थे, इसलिए मैंने कल कुछ और शूट नहीं किया। और आज है डे टू, फिर भी एक बार इंट्रो दे देता हूँ। हे गाइस, दिस इज अ डे टू, लेट्स स्टार्ट द जर्नी। उसके बाद हम अपने पहले लोकेशन पे पहुंचने के बाद हम गाड़ी से उतरे और गाड़ी को वहीं पे पार्किंग पे लगाए, वहां पे पार्किंग के लिए जगह बनी हुई है। और उसके बाद हम सीधा बस पकड़े मंदिर तक पहुंचने के लिए। तो नीचे जैसे ही आप पहाड़ के नीचे पहुंच जाओगे, आपको वहां पे बस की सेवाएं मिल जाएंगी, जो आपको ऊपर मंदिर तक ले जाएगी। और मंदिर तक पहुँचने में करीबन पूरा पहाड़ घूम के जाने में 10 मिनट का समय लगता है, और थोड़ी देर बाद हमें कुछ ये खूबसूरत नज़ारा देखने मिला। मंदिर पहुंचने के बाद हम सीधा मंदिर के प्रांगण से पूजा की सामग्री ली और सीधा चले गए अंदर पूजा देने। मंदिर के अंदर घुसने के बाद, चूंकि हम वीकडेज पे गए थे, तो हमें काफ़ी ज़्यादा भीड़ का जो है सामना करना पड़ा, और वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोग जो है वो पूजा देने के लिए आए हुए। घंटों भर लाइन में खड़े होने के बाद हमें माँ तारा तारिणी माँ की दर्शन करने का मौका मिला। और मंदिर के अंदर जो है फ़ोन और कैमरा सब कुछ बंद था, तो जब जहाँ तक हुआ मैंने वहीं तक वीडियो की, उसके बाद मैंने वीडियो बंद कर दी। तो अच्छे से माँ तारा तारिणी की दर्शन करने के बाद हम मंदिर के बाहर आए, हमने थोड़ी देर मंदिर के चारों ओर मंदिर के परिक्रमा की, और उसके बाद हम आगे निकले। और ये रहा वो 1000 सीढ़ी वाला रास्ता, जिसपे आप चाहो तो पहाड़ के नीचे से ऊपर तक चढ़ाई करके भी आ सकते हो। सो गाइस, फाइनली तारा तारिणी टेम्पल जो है वो दर्शन वगैरह अच्छी तरीके से कर लिया है, प्रसाद वगैरह खा लिया है। अब मैं आपको व्यू दिखाता हूँ, जो इतने ऊपर से मैं देख रहा हूँ भाई, खतरनाक व्यू है, दिखाता हूँ आपको। और गाइस, जो सामने आप देख रहे हो वो रोपवे बना हुआ है, जिससे अगर आप चाहो तो इस रोपवे से भी ऊपर आ सकते हो। ठीक है, प्राइस वगैरह मेरे को पता नहीं, क्योंकि हम लोग बस से ही आ गए डायरेक्ट। तो रोपवे का हमें एक्चुअली पता नहीं था कि कहाँ से जा रहा है, तो एक्चुअली यहीं से है, तो आप चाहो तो रोपवे से भी आ सकते हो, एक अलग ही एक्सपीरियंस होगा। और ये व्यू देखो जो मैं देख रहा हूँ भाई, ख़तरनाक व्यू आ रहा है। तो चलो, अब एक बीच है वहाँ चलेंगे, बीच पे फिर आपको दिखाएंगे। चलो तो गाइस, इससे पहले तो मैं ऊपर था, अभी नीचे आया हूँ, और यहाँ पे पी रहा हूँ दही शरबत, बहुत ही टेस्टी है। और इतनी गर्मी में अगर दही शरबत पीने का मज़ा मिल जाए तो अलग ही है। तो पीते हैं और चलते हैं सीधा नीचे। चलो गाइस, मैं अभी मंदिर से निकल ही रहा था, और फिर मैंने इस तरफ देखा, और इस तरफ तो और भी ब्यूटीफुल व्यू आ रहा है, और एक जंगल की तरह भी दिख रहा है। मैं दिखाता हूँ, ये और भी मस्त। वहाँ मंदिर, यहाँ पे कुछ ऐसे बना हुआ है फोर्ट टाइप का, और यहाँ पे देखो यार, और यहाँ से पूरा जंगल का व्यू। अब हम इसी रास्ते से वैसे आए थे, जो सामने आप वो रोड देख रहे हो ना वहाँ पे, तो वो रास्ते से हम आए अभी। बहुत मस्त व्यू आ रहा है, और सामने पहाड़, बाप रे। तो चलो, यहाँ पे ज़्यादा लेट नहीं करके निकलते हैं जल्दी। चल, वन आवर लेटर।
सो गाइस अभी मंदिर दर्शन करने के बाद सीधा आ चुके हैं हाईवे। अभी जा रहे हैं सीधा गोपालपुर बीच, जो यहाँ से करीबन 10 किलोमीटर या फिर थोड़ा उससे ज़्यादा कम है। तो अभी सीधा रुके हैं एक हाईवे के ढाबा पे, यहाँ पे थोड़ा सा खा पी लेते हैं, पेट पूजा कर लेते हैं, क्योंकि अभी बजे हैं दिन के 2:40। हम करीबन वहाँ पे 1:30 के आसपास निकले थे, एक घंटा लग गया। बहुत दूर है एक एक लोकेशन, तो फिलहाल सोच रहे हैं कि थोड़ा सा खाना पीला कर लेते हैं, पेट पूजा करके फिर निकलते हैं यार। तो चलो खा पी के और फिर निकलेंगे सीधा गोपालपुर बीच। चलो बाय। सो गाइस काफ़ी मेहनत मशक्क़त के बाद, काफ़ी दूर की ड्राइविंग के बाद हम सीधा पहुंच चुके हैं गोपालपुर बीच, और हम खा पी के सीधा डायरेक्ट यहीं पे आ गए। अभी आने में करीबन हम लोग को हाफ एन आवर लगा होगा टाइम, और यहाँ पे एक एडवेंचर पार्क भी मेरे को दिख रहा है, तो देखेंगे अंदर क्या क्या है अगर टाइम होता है तो। अभी ये वाला बीच घूमते, और गाइस धूप बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, मतलब जितना भी जगह मैं घूम रहा हूँ बहुत ज़्यादा धूप है। कौन बोलेगा यार ये जनवरी का महीना है, वैसे तो ख़त्म होने ही वाला है, और अभी हुए हैं दिन के 3:50 हुए हैं, तो करेक्ट टाइम है, इवनिंग के टाइम है, एकदम बीच मस्त घूमेंगे और ये एडवेंचर पार्क पे भी चलेंगे। तो चलो लेट ना करके आपको सीधा बीच दिखाते हैं, फिर एडवेंचर पार्क में कुछ होता है तो वो दिखाते हैं। चलो लेट्स गो। सो गाइस हम चले गए थे सीधा एडवेंचर पार्क के साइड पे, तो वो वाला साइड मेन बीच नहीं है। अभी हम चलते चलते जा रहे हैं करीबन 1 किलोमीटर यहाँ पे मेन बीच के साइड पे, वहाँ पे बहुत सारे हैंडीक्राफ्ट्स हैं, वो भी आपको दिखाऊंगा। मेन बीच घूम के फिर हम लोग एडवेंचर पार्क के साइड पे चलेंगे। तो चलो अभी बहुत क्राउड है, आपको सीधा बीच पे चल के मिलता हूँ, बाय। तो गाइस थोड़ा चलने के बाद हम पहुँच चुके हैं बीच, मेरे सामने है बीच, चलो आपको दिखाता हूँ और आप लोग मज़े लो। तो गाइस ये जो सामने आप देख रहे हो, हम फाइनली पहुँच चुके हैं गोपालपुर बीच, और काफ़ी ज़्यादा हवा आ रहा है, तो पता नहीं अब मेरा ऑडियो कितना क्लियर आएगा कितना नहीं, पर ये है गोपालपुर बीच। तो चलो नीचे जाते हैं, आपको वेव्स दिखाते हैं, लेट्स गो। गाइस फाइनली पहुंच चुका हूं गोपालपुर बीच, काफी ज्यादा मजा आ रहा है, जूता वगैरह खोल दिया और अभी पानी के अंदर हूं। मेरे को नहीं पता आप लोगों को आवाज़ आ रहा होगा कि नहीं, लेकिन बहुत ज़्यादा ही मज़े आ रहे हैं, मतलब वाटरफॉल भी देख लिया, सी बीच भी देख लिया, सब घूम लिया यार, बहुत ही मस्त जगह है उड़ीसा का गंजाम, बहुत ज़्यादा मज़ा आया। और भी बहुत कुछ बाकी एक्सप्लोर करने के लिए, वो भी करूँगा आप लोग को दिखाऊँगा। तो चलो अभी के लिए अभी इन्जॉय करते, इवनिंग में जब सीधा हम लोग एडवेंचर पार्क जाएंगे वो मैं आप लोग को दिखाऊँगा। अभी थोड़ा यहाँ पर मस्ती वगैरह कर लेता हूँ, उसके बाद थोड़ा बीच वाइब्स ले लेता हूँ, कुछ शॉर्ट्स लिए वो आप लोग देखो, और चलो लेट्स गो। तो गाइस समुद्र के किनारे चलते चलते हम लोग जा रहे हैं सीधा एडवेंचर पार्क की तरफ, बट मैंने एक अजीबोगरीब चीज़ देखी, मैं आपको दिखाता हूँ, आप लोग बताओ यहाँ से पत्थर कैसे आ सकता है यार, बाबर मेरे को समझ में नहीं आ रही पत्थर कैसे आ गया यहाँ पे, अलग ही सीन है भाई, अलग ही है। गाइस फाइनली एडवेंचर पार्क में एंट्री ले ली है, और अब मैं दिखाता हूँ, बहुत ही सुंदर सा पार्क है और बीच फ्रंट पार्क है, और बहुत सारा यहाँ पे एक्टिविटीज़ है करने के लिए, मतलब बच्चे लोगों को तो बहुत ही मज़ा आने वाला है। और भी मैं बहुत सारा कुछ देख रहा था, राइड्स वगैरह देखते हैं होगा तो सब कुछ ट्राई करेंगे, और मैं आपको दिखाता हूँ पार्क, बहुत ब्यूटीफुल है, देखो एक बार आप लोग। गाइस फाइनली वहाँ से पार्क में एंट्री कर ली है, और ये देखो ये है पार्क, काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल पार्क है और बड़ा है। मैं आपको और एक चीज़ दिखाता हूँ, इस पार्क में आपको ये सारा सर्विसेज मिलेगा, ये देखो ये है वो बीजू एडवेंचर पार्क, जहाँ पे जिप लाइन, जॉइंट स्विंग, एयर गन, बंजी ट्रैम्पोलिन, बॉल राइड, क्रिकेट, मिनी ट्रैम्पोलिन, मिकी माउस और वाटर स्पोर्ट्स, ये सारा मिलेगा यहाँ पे, प्राइस वगैरह भी लिखा हुआ है। और ये देखो यहाँ पे वो वाला है जो जिप लाइन है, मेरे को वही लग रहा है ये वाला, तो अभी ये देखो, तो अभी चलते हैं आपको दिखाता हूँ एक एक चीज़। सो गाइस फाइनली शाम होने को है, और इस पार्क में काफ़ी सारा एडवेंचर है, मैंने आपको प्राइस और क्या क्या एक्टिविटीज़ आप कर सकते हो दिखा दिया है। अब चलो एक एक करके अगर कुछ एक्टिविटीज़ करता हूँ तो दिखाता हूँ, क्योंकि भले ही शाम हो गई है और हमें निकलना भी है, तो चलो लेट्स गो। तो गाइस ये है पार्क, और पार्क को फेस करके ये वाला
है। मैं बता देता हूँ, ये जो अभी जो मैंने आपको गोपालपुर समुद्र तट दिखाया, ये उसी का ही एक शाखा है, मतलब पूरा सी फेसिंग पार्क। बट यहाँ पे अभी वैसा बाहर वार कुछ नहीं है, और वो जो देख रहे हो आप वो जिम्पलाइन लगा हुआ है वहाँ पे, देखो कोई जा भी रहा है, आपको ऐसा दिखेगा नहीं। अभी रात हो चुकी है, शाम हो चुकी है काफ़ी अच्छी, बट हाँ काफ़ी अच्छा लग रहा है पार्क में। अब घूमते हैं, कुछ अच्छा होता है तो आपको दिखाता हूँ, चलो लेट्स गो। सो गाइस, पार्क में घूमते घूमते शाम की 6 बज चुकी है, और अभी मेरे को दिखा फूड कोर्ट, और लग रही है बहुत ज़्यादा भूख, तो चलो कुछ हल्का फुल्का स्नैक्स खा लेते हैं और फिर देखते हैं कुछ होता है तो आपको दिखाता हूँ, चलो। तो गाइस सामने है फूड कोर्ट, चलो कुछ खाते हैं और फिर देखते हैं क्या है, क्या मिल रहा है। फूड कोर्ट में सबसे पहले मैंने एक कॉफ़ी की जिसका टेस्ट मेरे को काफ़ी बढ़िया लगा, उसके बाद मैंने एक चिकन चाउमीन लिया जिसका टेस्ट भी काफ़ी बढ़िया था, मतलब सच में यार चाउमीन का टेस्ट काफ़ी मस्त था। सो गाइस फाइनली फूड कोर्ट से खा के निकल चुके हैं, अब मेरे फ़ोन पे भी 6% बैटरी है, बहुत ज़्यादा बैटरी है नहीं तो लगता नहीं है कि और कर पाऊँगा। वैसे भी अभी हम लोग घर वापस जाएंगे और ज़्यादा कुछ है नहीं, रास्ते में कुछ होता है तो दिखाता हूँ, नहीं तो कल और कुछ जगह है देखने के लिए वो दिखाऊँगा, तब तक के लिए बाय। गाइस अभी मैं चलते चलते घर वापस जा रहा हूँ, और पार्क की लाइटिंग जो है वो बहुत ही ज़्यादा मस्त लग रही है, रुको मैं आप लोग को दिखाता हूँ। सो गाइस रात में पार्क में कुछ इस तरह का वाइब्स मिल रहा है, देखो काफ़ी बढ़िया लग रहा है, और मैं बहुत देख रहा हूँ लोग रील्स वगैरह बना रहे हैं, तो मतलब इस लाइट में ही मस्त लगता होगा बनाने में। तो अभी चलो अभी सीधा रवाना होते हैं घर के लिए, क्योंकि बहुत दूर जाना है यार। सो गाइस मैं एक ही बात कहूँगा लास्ट में कि चिल करने के लिए सबसे बेस्ट एरिया यार, मतलब ऐसे ही शाम के टाइम पे आ जाओ, बीच घूम लो और साथ में ये पार्क, बेस्ट है यार, बेस्ट कॉम्बिनेशन है। फूड कोर्ट भी है, भूख वगैरह लगता है तो खा सकते हो, मज़े आ गए यार, मज़े आ गए। तो यहाँ पे मो गोपालपुर लिखा हुआ है, तो यहाँ पे भी आ कर के बढ़िया बढ़िया फोटोज़ वगैरह क्लिक करवा सकते हो। तो चलो अब निकलते हैं। द नेक्स्ट डे। और गाइस डैम के चारों ओर के नज़ारे देखो आप लोग एक बार बस, तो यहाँ पे बस चढ़ाई करके ऊपर जा रहे हैं फाइनली डैम देखने के लिए, और नज़ारे देखो यार बहुत प्यारा सा नज़ारा आ रहा है, चलो ऊपर चल के दिखाता हूँ। सो गाइस फाइनली ऊपर आ चुका हूँ, और अभी शाम के कुछ 4:10 बज रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा धूप है, बट सामने मेरे को नदी दिख रही है, चलो आपको दिखाते हैं। और ओह काफ़ी प्यारा व्यू आ रहा है, आपको दिखाता हूँ, आप लोग देखो एक बार। गाइस ये है कुड़ाहट डैम जो आप सामने देख पा रहे हो, और बहुत ही सुंदर है, और यहाँ पे एक बोर्ड लगा हुआ है, ये उड़िया लैंग्वेज में लिखा है, और यहाँ पे लिखा हुआ है बीवेयर ऑफ क्रोकोडाइल्स, और नीचे आना प्रवेश निषेध है, ठीक है, तो यहाँ उड़िया लैंग्वेज में लिखा है बीवेयर ऑफ क्रोकोडाइल्स। तो गाइस यहाँ से ऊपर जा सकते हैं, और ऊपर और भी सुंदर नज़ारे मिल रहे हैं, मैं ना आपको दिखा रहा हूँ और भी सुंदर नज़ारे ऊपर से दिख रहे हैं भाई, ये देखो यार कुड़ाहट डैम में इतना सुंदर व्यू मिलेगा ये नहीं पता था, मतलब उड़ीसा के गंजाम में ना इतने सुंदर सुंदर जगह है, मतलब पहाड़ के अंदर मंदिर मिल जा रहे हैं, जंगल के अंदर पता नहीं क्या क्या मिल जा रहे हैं यार, भाई व्यू देखो यहाँ पे। मैंने आपको जो पुरुलिया व्लॉग में भी काफ़ी सारे डैम दिखाए थे, और हर एक डैम अपने में ही एक मतलब ब्यूटीफुल लोकेशंस लेके आता है। उड़ीसा का ये पहला डैम है जो मैं देख रहा हूँ अभी गंजाम में, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ व्लॉग के थ्रू, इससे पहले ही मैंने देखा है, बट ये वाला पहला जो मैं आपको दिखा रहा हूँ काफ़ी ब्यूटीफुल लोकेशन है, और काफ़ी ज़्यादा हवा आ रही है तो मेरा साउंड आपको शायद से प्रॉपर नहीं आ रहा होगा। तो यहाँ पे एक पार्क भी है, चलो फाइनली वही पार्क पे बैठते हैं, थोड़ा एंजॉय करेंगे और शाम वही एंजॉय करके फिर निकलेंगे, चलो लेट्स। गाइस फाइनली डैम तो देख लिया है, अब चलते हैं, सामने एक पार्क है वहीं पे आज शाम वगैरह एंजॉय करते हैं, थोड़ा घूमते हैं पार्क और फिर निकलेंगे, फाइनली हो तो गया, सारा लोकेशंस मैंने आपको दिखा दिए, चलो लेट्स गो। फाइनली डैम घूमने के बाद आ चुके हैं पार्क, एक बार पार्क दिखाता हूँ और आपको लोकेशन गाइस एक बार लोकेशन देखो यार, ये सामने देख रहे हो ये है घोड़ाहाड़ इको स्पॉट, और एक बार लोकेशन देखो दोनों तरफ सिर्फ जंगल, तो चलो एंट्री लेते हैं आपको। एंट्री ले चुका हूँ घोड़ाहाड़ इको स्पॉट में, यही वो पार्क है, लेक भी दिख रहा है मेरे को, काफ़ी बढ़िया पार्क है यार, मैं दिखाता हूँ, और एंट्री फीस कुछ 10 रुपीज़ के आसपास है, बच्चों के लिए फ्री है, तो दिखाता हूँ एक बार, देखो यार कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। तो सामने आप देख रहे हो यही है वो पार्क भाई, और देखो यार कितना ब्यूटीफुल रखा है और कितना साफ सुथरा है यार,
ये देखो यार, और सामने एक लेक भी दिख रहा है, ऊपर ऊंचे ऊंचे पहाड़ दिख रहे हैं भाई, मज़े आने वाले हैं यहाँ पे तो, मतलब सच में। और शायद सनसेट भी देखने मिल जाए तो और मज़े आएंगे पहाड़ों के बीच में। चलो अभी के लिए यहीं एंजॉय करता हूँ, आपको नीचे जाके लेक वगैरह दिखाते हैं, चलो लेट्स गो। और गाइस यहाँ पे कुछ ऐसे ऐसे चीज़ें बनी हुई है जहाँ पे आप पिक्चर वगैरह ले सकते हो, चलो आप आगे दिखाता हूँ। गाइस इस यहाँ पे आप कुछ ये एक्टिविटीज़ है जो आप यहाँ पे कर सकते हो, जिसमें वॉच टावर है, बोटिंग है, व्यू पॉइंट है, मिशन शक्ति कैफ़े है सामने जो मेरे को दिख रहा है, और वॉशरूम की सुविधा भी मिलती है, और कैफ़े में आप स्नैक्स वगैरह इन्जॉय कर सकते हो। तो चलो आगे आपको दिखाता हूँ, और सामने देख रहे हो यहाँ पे भी आप पिक्चर्स वगैरह ले सकते हो। और गाइस सॉरी मैं गलत था, यहाँ पे ये कोई लेक नहीं है, ये वही नदी है, वही नदी का एक साइड पार्ट है, ठीक है, तो वही है, ये मैं गलत था, ये कोई लेक वगैरह नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे बैठने के लिए भी काफ़ी सारी चीज़ें बनी हुई है, और वहाँ पे लिखा भी हुआ है आई लव घोड़ाहाड़ा वेटलैंड। चलो आपको दिखाते हैं, लेट्स गो। जाती है आपको यहाँ पे ये दो चीज़ें मिल जाती है, जो कि है एक व्यू पॉइंट और सेल्फी पॉइंट, तो यहीं पे चलो मैं आपको जाके दिखाता हूँ कि क्या है यहाँ पे। गाइज अभी आगे देखते हैं क्या क्या है, पार्क काफ़ी बड़ा है वैसे, तो चलो आपको दिखाते हैं और क्या क्या है यहाँ पे। गाइज यहाँ पे आगे बढ़ते ही आपको और तीन चीज़ें यहाँ पे मिल जाते हैं, जो कि एक चिल्ड्रेंस एक्टिविटी एरिया यानी कि पार्क वगैरह बच्चों के लिए बना हुआ है, वहाँ पे झूला वगैरह, और एक है नक्षत्र वन, वो क्या है देखेंगे, और बोटिंग जेटी जो है वो इस तरफ है, आप चाहो तो वो भी कर सकते हो। तो चलो आगे जाते हैं, आपको दिखा। नक्षत्र वन लिखा था वो यही है, ये बेसिकली उड़िया में लिखा है, मैं बता देता हूँ वैसे क्या है। ये मेनली जो जोडियाक साइंस वगैरह होते हैं वो सारे के नाम है, और नक्षत्र जो होता है वो सब यहीं पे लिखा हुआ है उनके क्या क्या उसे हैं, और कुछ कुछ यहाँ पे पेड़ भी लगाए हुए हैं, उनके जो औषधीय गुण वगैरह होता है और व्यवहार वही सब यहाँ पे उड़िया में लिखा हुआ है, उसके बेसिस पे यहाँ पे एक बना भी हुआ है जोडियाक साइंस से रिलेटेड। और ये देखो काफ़ी सारे पेड़ है जहाँ पे उनके नाम भी लिखे हुए हैं, और इंग्लिश और उड़िया में ही लिखे हुए, देखो चारों तरफ सारे लगाए हुए हैं, ये देखो आप लोग देख लेना, काफ़ी सुंदर तरीके से बनाया, और ये है वो जोड़िया साइन जो उड़िया में लिखा हुआ है। तो काफ़ी ब्यूटीफुल पार्क है वैसे, सनसेट तो हो गया, मैंने आपको दिखा दिया, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तो चलो अब देखते हैं क्या हो सकता है, कुछ होता है तो दिखाता हूँ। चलो अभी बजे हैं शाम के 5:45, और मैंने थोड़ा बहुत ये जो कैफ़े हैं वहाँ से थोड़ा बहुत स्नैक्स ले लिया है, दिखाता हूँ क्या। ये मैंने थोड़ा बहुत अभी सैंडविच ले लिया है, ठीक है, कैफ़े में ज़्यादा कुछ है नहीं, जैसे कि मैंने बोला थोड़ा बहुत स्नैक्स मिल रहे थे, और इस नज़ारे के साथ इन्जॉय कर रहा हूँ। तो चलो सैंडविच ख़त्म करके फिर आपसे मिलता हूँ। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, चलो अब टाइम आ गया यहाँ से निकलने का, शाम हो गई है अभी 6 बजने ही वाले, सैंडविच खा लिया है, मस्त टेस्ट था, 50 रुपीज़ प्राइस है, आप चाहो तो ले सकते हो यहाँ पे, मिशन शक्ति कैफ़े से लिया था हमने। तो चलो निकलते हैं फिर घर, कुछ होता है तो दिखाता है, नहीं तो सीधा घर पहुंच के मिलता है, चलो लेट्स गो। सो गाइस आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, गंजाम के दोनों एपिसोड खत्म हो चुके हैं और गंजाम का सीरीज यहीं खत्म होता है, लेकिन गाइस मैंने पहले ही बोला था द शो मस्ट गो ऑन, तो मैंने बोला था मैं काफी सारे ट्रैवल व्लॉग ऑलरेडी बना चुका हूं जो धमाधम इसके बाद चैनल्स पे गिरने वाले हैं, उसके लिए जल्दी से चैनल को कर लो सब्सक्राइब। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय और जय हिंद।